काहे अर्जन, जो करता जीवन को अर्जन, जिसके प्रकाश में सुख शांति मिले, जिसकी ऊर्जा से कण कण खिले, है उसको सत सत नमन, जो दे हमें स्वस्थ जीवन। छठ पूजा है इसका सत्कार, आप सभी को गोरखपुर न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं हैं अपरंपार। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव ने औद्योगिक इकाइयों और इन्वेस्टर समिट सहित विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई आपत्ति, तेजी लाने के दिए निर्देश। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर का किया निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कहा श्रद्धालुओं को ना होने पाए कोई दिक्कत। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं, कहा जिला प्रशासन पूरी तरह से है सतर्क, हर्षोल्लास के साथ मनाए छठ का महापर्व। प्रियंका गांधी के रैली के दूसरे दिन से ही जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर किराया न मिलने पर मकान मालिक ने जड़ा ताला, 2019 से किराया बकाया होने का लगाया आरोप, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने नहीं उठाया फोन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने जनपद सहित देशवासियों को दी छठ पूजा की शुभकामना, छठ माता से मांगी मन्नत, कहा सभी लोगों की हो मनोकामना पूरी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा कोरोना को मात देने के लिए अवश्य लगवाए कोरोना रोधी टीका, रहें सुरक्षित। छठ पूजा के दृष्टिगत सदर सांसद रवि किशन ने राप्ती नदी तट स्थित गुरु गोरखनाथ घाट का किया औचक निरीक्षण, कमियों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर कलेक्टर की मासिक समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया छठ घाटों का निरीक्षण, कहा जनपद में 390 घाटों पर मनाया जाएगा छठ पूजा का पर्व, लगाई गई है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग व पानी की है उचित व्यवस्था। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता जल निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश, कहा विकास कार्यों को समय से करें पूरा। छठ पर्व के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा तैयारी, व्यवस्था तथा सुरक्षा का एसपी सिटी ने गुरु गोरखनाथ घाट का किया निरीक्षण, कहा सीसीटीवी के माध्यम से अराजक तत्वों पर रखी जाएगी निगरानी, नगर आयुक्त ने कहा निगम की भी तैयारियां हैं पूरी। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई विधानसभा सामान्य निर्वाचन के जनपद स्तरीय नामित नोडल अधिकारियों की बैठक, स्वीप सहित निर्वाचन के अन्य बारीकियों की दी गई जानकारी, मतदाता सूची को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 167 केंद्रों पर कुल 11,019 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,068 और सेकेंड डोज लेने वालों में 7,951 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी व विवादित किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा छठ का पर्व, व्यवस्थाओं का एडीजी जोन ने लिया जायजा, मंदिर के पुजारी ने कहा हजारों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु, धूमधाम से मनेगा छठ का पर्व।